सर आगे जाने का क्या मतलब है? बस यही यार, रवि भैया ने कह दिया यहाँ से कोई आगे नहीं जाएगा। भाई साहब निकल जाओ, कोने से निकल जाओ। चलो हम भी निकल रहे हैं। कल्ला शर्मा है सर, सिंचाई अध्यक्ष हैं साटा से, इस मामले में आ जाओ। और कहा अनु शर्मा मेरे भतीजा। जागरण अभियान चला रही है कांग्रेस पार्टी, रैली तो है, एक टोल फ्री नंबर है आपको मालूम है इस बारे में, आपने रजिस्टर किया उस पर नहीं किया, नहीं करेगा तो महिलाओं को मालूम है कि जन जागरण अभियान चला रही है कांग्रेस पार्टी, रैली तो है, एक टोल फ्री नंबर है। देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन इस बीच में 700 किसान जो शहीद हुए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अभी भी लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि भाजपा के कई लोग कह रहे हैं कि इसको हम वापस ले आएंगे। जब तक संसद में निर्णय नहीं हो जाता और जब तक MSP की अनिवार्यता कानून में नहीं लाई जाती है, तब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी। एक दूसरा जो मुझे बताया गया है, संवादहीनता की स्थिति है, यहाँ तक कि मंत्रिमंडल में भी संवादहीनता है। जो खबरें सामने आ रही हैं, पूरे सरकार जो है केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह चला रहे हैं, और ये लोकतंत्री व्यवस्था के ठीक विपरीत है, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हम लोगों ने अपनाया है, और उसमें प्रधानमंत्री जो है फर्स्ट अमंग द इक्वल्स है, सबके बराबर है, मंत्रिमंडल में वो नंबर एक पर है। इसलिए सभी से चर्चा करने के बाद ही निर्णय होना चाहिए, लेकिन हम लोग इस बारे में उन बहादुर किसानों को सलाम करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने पूरा आंदोलन गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर पूरे तरीके से शांति से और अहिंसक तरीके से आंदोलन चलाया, वे बधाई के पात्र हैं। ये तो ऐसी बदतमीजी करते हैं, घुटना तोड़ देंगे। अरे घुटने कैसे तोड़ दोगे? कौन सा नियम और कौन सा कानून है जिसमें आप घुटने तोड़ देंगे? भाई ये बात सारी बात उनसे पूछिए, नरेंद्र मोदी जो उनके बिना बुलाए चले गए थे, तब उनसे आप लोग क्यों नहीं पूछते? मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं Time 8 Madhya Pradesh। Time 8 Madhya Pradesh आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।